इन तस्वीरों को गौर से देखिए, किस प्रकार ये दीवार भरभरा कर गिर गई। ये बड़ा हादसा आज अल सुबह का है और ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के बड़ा तालाब स्थित सरकारी स्कूल की। दीवार का एक हिस्सा पास में खड़ी ऑल्टो कार और रेड़ी पर गिरने से दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। जरा सोचिए, यदि यही हादसा दिन में पेश आता तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। स्थानीय निवासियों की माने तो इस दीवार को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कई बार कहा गया, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। कल दिन में माही खड़ी कर गया है यहाँ पे, और ये रात को करीब 2:15 बजे दीवार गिरी है। ये कई बार पहले शिकायत भी दी थी, DO साहब को भी बोला था, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे दिन में बच्चे भी घूमते हैं, वो उधर आदमी बैठे हैं, वो दिन में यहाँ पे बैठते थे। दिन में गिर जाता तो इतना बड़ा नुकसान होता है, यहाँ पे मेरा सारा नुकसान हो गया गाड़ी का, इसका हर्जाना कौन भरेगा। शिक्षा विभाग के रवैये को लेकर स्थानीय निवासी विक्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब शिक्षा विभाग के अधिकारी से इस दीवार के हालात को लेकर कहा गया तो उनका कहना था कि जब दीवार गिरेगी तब देख लेंगे। वो बोले कि हमारे होएगी जब देखेंगे, दीवार गिरेगी जब देख लेंगे, उनका ये जवाब था। सुनने में आ रहा है कि पहले भी एक बार दीवार गिर चुकी है। नहीं गिरी नहीं थी, पहले ये दीवार झुक गई थी पूरी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, इनके बोला था इनको, फिर ये बोले कि उधर जाओ, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के पास वहाँ गए थे, उन्होंने बोला कि DO साहब से बात करो, DO साहब ने उस जवाब नहीं दिया, टाल मटोल करते रहे। बहरहाल गनीमत ये रही कि यह दीवार रात्रि के समय गिरी, जबकि दिन में इसी दीवार के आसपास बच्चे भी खेलते हैं। यदि यह हादसा दिन में होता और कोई हताहत होता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती। जाहिर तौर पर कई बार बड़ी लापरवाही दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है, लेकिन इसके बाद भी अक्सर इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं। जाने क्यों इस प्रकार के हादसों की पुनरावृत्ति होने के बाद भी सबक नहीं लिया जाता। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।